लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मीडिया कंपनी एनडीटीवी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की रिपोर्ट आने के बाद कारोबारी अजय सिंह चर्चा में हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने सच में यह हिस्सेदारी खरीदी है या नहीं। इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में अजय सिंह एक ऐसा नाम है जिसे घाटे के बिजनेस को प्रॉफिट में बदलना आता है। स्पाइसजेट की सफलता उनके हुनर की पूरी कहानी बयां करती है। कम ही लोगों को पता होगा कि अजय सिंह ने कभी स्पाइसजेट को सिर्फ 2 रुपए में खरीदा था, लेकिन यह उनकी तरकीब की थी। आज स्पाइसजेट देश की टॉप एविएशन कंपनी बन गई है। स्पाइसजेट और अजय सिंह की कहानी बेहद रोचक है। खुद शुरू की कंपनी पर बाद में मारन को बेच दी। स्पाइसजेट की शुरुआत कभी अजय सिंह ने ही की थी, यह 2005 की बात है। उस दौर में भारत की एविएशन इंडस्ट्री अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। अजय सिंह ने भी इसके साथ कदम मिलाने की सोची और उन्होंने स्पाइसजेट की शुरुआत कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने चलती हुई कंपनी मारन फैमिली को बेच दी। यह समझौता अजय सिंह और कलानिधि मारन के बीच हुआ। कलानिधि मारन ने प्रॉफिट कमाने के लिए स्पाइस जेट को खरीदा था, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहे। हालात यह हो गए कि स्पाइस जेट तेल कंपनियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी और विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों के भुगतान का लगातार डिफॉल्ट कर रही थी। लगातार महंगे होते फ्यूल और नॉन परफॉर्मेंस के चलते स्पाइस जेट बंद होने की कगार पर आ गई। यह दौर 2015 के आसपास था। मारन को अब स्पाइस जेट बोझ लगने लगी, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से इसे बेचने का मन बनाया। दोबारा अजय सिंह के पास ही पहुंचे मारन स्पाइस जेट बेचना चाहते थे और अजय सिंह अपनी शुरू की गई कंपनी को फिर से पटरी पर लाना चाहते थे। मारन ने स्पाइस जेट को बेचने का ऑफर अजय सिंह को दिया और अजय सिंह ने बंद होने की कगार पर पहुंची कंपनी को खरीद लिया। अजय सिंह ने कलानिधि मारन से स्पाइस जेट की करीब 58% हिस्सेदारी खरीद ली। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि अजय सिंह को घाटे के बिजनेस को प्रॉफिट में बदलना आता है, उन्होंने स्पाइस जेट के साथ यह कर दिखाया। अजय ने लो कॉस्ट ट्रैवल पर फोकस किया। इसका असर यह हुआ कि डूबती कंपनी प्रॉफिट में आ गई। अजय सिंह ने जब मारन से स्पाइस जेट को खरीदा तो उस वक्त इसके शेयर्स की कीमत 16 रुपए के भाव में पहुँच गयी थी। मौजूदा समय में इसके शेयर 150 रुपए के आसपास है। यह अजय सिंह का ही कमाल था कि उनके खरीदने के बाद स्पाइस जेट ने अपने ग्राहकों को 900% तक का रिटर्न दिया। मारन ने केवल 2 रुपए में अजय सिंह को बेची एयरलाइंस। मारन और अजय सिंह के बीच स्पाइस जेट के लिए हुए सौदे की रकम का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। हालांकि शेयर ट्रांसफर को लेकर कलानिधि मारन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी याचिका में कहा कि अजय सिंह ने स्पाइस जेट कंपनी के लिए केवल 2 रुपए का भुगतान किया। अपनी याचिका में कलानिधि मारन ने कहा कि स्पाइस जेट और अजय सिंह ने शेयर परचेज एग्रीमेंट नियमों का उल्लंघन किया है। मारन ने कंपनी पर इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स भुगतान न करने का आरोप भी लगाया। अजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही 2014 में पीएम मोदी के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी। अब की बार मोदी सरकार का स्लोगन भी अजय सिंह की ओर से दिया गया था। यह नारा बेहद पॉपुलर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने चुनाव के दौरान इसी की तर्ज पर अब की बार ट्रंप सरकार का स्लोगन दिया था।